हेलो दोस्तों, यूट्यूब के ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए जिसे आप छा जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आती रहे। तो उस एप्लीकेशन का नाम है, आपको सर्च करना है जी बोर्ड। ठीक है, 21 MB की एप्लीकेशन है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसमें तीन स्टेप आएगी। तो पहले स्टेप आपको सेटिंग में ले जाएगा डायरेक्ट, लैंग्वेज और इनपुट में। तो आप यहाँ पर ये जी बोर्ड वाला है, इसको आपको टिक करना है, इसको ओके करना है। ठीक है, पहले स्टेप पूरी होगी, अब सेकंड स्टेप में जाना है और इसमें चेंज कीबोर्ड करना है। अक्सर होता क्या है कि अपने मोबाइल का जो कंपनी होती है उसी का कीबोर्ड होता है, तो आपको ये गूगल वाला जी बोर्ड की, ठीक है, उसको डन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना कीबोर्ड को कलरफुल भी ले सकते हैं, तो आप चाहें तो। मैंने इस पिंक को ले लिया और अप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आप बैक चले। अगर आपने हमारे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे की बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे। चलो करते हैं आपके। उसके बाद में हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं। और व्हाट्सएप पर किसी का भी हम ये ऑन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हुक्म यादव का किया है। और हम जैसे मैसेज करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके लिए हमको करना क्या है कि पहले गूगल पर ये टिक करना है और यहाँ पर सर्च में लिखना है हिंदी शायरी इमेज। तो मैंने पहले से यहाँ पर हिंदी शायरी इमेज आ गया है, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। ठीक है, ये पहले पहले आ रहा है यहाँ पर, इसको आपको टैप करना है, उसके बाद में यहाँ पर सेंड करना है, तो ये उस बंदे को पहुँच जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी शायरी का। अब दूसरा है, इसको वापस हम जी बोर्ड वाले को चिन्ह करेंगे। गुड नाइट मैसेज अगर हमको पहुँचाना है तो यहाँ पर हम गुड नाइट मैसेज भी पहुँचा सकते हैं, और ये गुड नाइट GIP फाइल भी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी है, तो इसमें आप जो भी अच्छी लगे वो आप टैप करना और पूछा देना। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, और अपने दोस्तों को भी बताना और इस वीडियो को शेयर करना।